धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, रह गई हैं तो बस उनकी यादें। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव को देश की राजनीति के अखाड़े का पहलवान कहा जाता था। उन्हें अपने विरोधियों को चित करने में महारत हासिल थी। मुलायम सिंह 8 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद भी रहे। इतना ही नहीं बल्कि वे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री तो देश के रक्षा मंत्री भी रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी का संबंध सिर्फ यूपी से ही नहीं बल्कि बिहार से भी रहा है। वे कई बार बिहार की धरती पर हुंकार भी भर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े और जीते भी हैं। नेताजी अपने एक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार करने के लिए मुंगेर आए थे। आपको बता दें कि आज से करीब 15 साल पहले मुलायम सिंह यादव मुंगेर के साफियाबाद आए थे। उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था। पहली बार जमालपुर विधानसभा से सपा के टिकट पर वर्तमान सपा के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरे थे। उनके लिए खुद मुलायम यादव ने मतदाताओं से वोट मांगा था। इसके बाद काफी संख्या में लोग पप्पू यादव के समर्थन में आ गए थे। आपको बता दें कि मुंगेर समाजवादियों की धरती रही। समाजवाद के नेता डॉक्टर लोहिया से लेकर समाजवादी योद्धा मुलायम सिंह यादव का सदैव यहाँ से गहरा नाता रहा है। यही कारण है कि बिहार में चाहे समाजवादी पार्टी की जो भी स्थिति हो, मुंगेर में सदैव दमखम से समाजवादी झंडा गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ित और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पर संघर्ष करता रहता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पहली बार 2010 में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मुंगेर के साफिया सराय कृषि बाजार समिति के प्रांगण में जमालपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से उतरे थे। तब खुले मंच से नेताजी ने कहा था कि मुंगेर में पप्पू समाजवाद की एक नौजवान पीढ़ी के मजबूत योद्धा हैं। मैं इनको अल्पमानस पुत्र समझता हूँ। रक्षा मंत्री रहते हुए वे बिहार आए थे। बात उस समय की है जब एचडी देवगौड़ा की केंद्र में सरकार थी, वे प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अररिया जिला मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव का एक कार्यक्रम कराया था। उस समय पप्पू यादव भी नेताजी के पार्टी में ही थे। मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे मंच पर जाकर बैठ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय मंच के आगे मैदान में सिर्फ 10 से 20 लोग ही पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद लोगों का पहुंचना शुरू हुआ और करीब आधे घंटे बाद मुलायम सिंह यादव का भाषण शुरू हुआ। अमूमन यह होता है कि नेता समय से नहीं पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनका हेलीकॉप्टर आसमान में 2 चक्कर लगाता है ताकि आसपास के सारे लोगों को पता चल जाए कि नेताजी पहुंच गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुलायम सिंह यादव का स्वभाव ठीक इसके उल्टा था। वे भीड़ जुटाने का इंतजार नहीं करते थे। उनके कार्यक्रम के बारे में कहा जाता था कि वे पहले पहुंचते थे, जनता बाद में पहुंचती थी। आपको बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव में यह अद्भुत विशेषता थी। अपनी इसी विशेषता के कारण उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता था और यही कारण है कि उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। बिहार इंसोर्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। अगर ये खबर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर खबर ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।